तू ना कोमा में था। कितने दिनों से मैं कोमा में था? आज पूरे 19 साल कंप्लीट हो गए। 19 साल मर्डर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो 2019 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी ओरू कथा नादन कथा, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7, जिसको 55% गूगल यूजर्स ने लाइक किया। हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है ये। मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी की लीड रोल में नजर आएंगे आपको सैन सिद्रा की, प्रदीप सिंह रावत, सलीम कुमार जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी की कहानी में दिखाया गया है एक बेरोजगार इंजीनियर ग्रेजुएट सन अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए जल्दी पैसा कमाने के लिए माफिया के लिए हवाले ट्रांजेक्शन का फैसला लेता है, लेकिन माफिया कल्चर से नावाकिफ होने की वजह से सानू को माफिया के लोगों के जरिए धोखा मिलता है। अब उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। सानू की जिंदगी अब एक खतरनाक केस में पड़ गई है और साथ साथ उसे अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ता है। आगे क्या होता है, क्या क्या टर्न ट्विस्ट आते हैं मूवी में, जानने के लिए मूवी देखिए। मूवी यूट्यूब पर अपलोड है। 2019 में आई सस्पेंस थ्रिलर मूवी तो अमेरिका नहीं इंडिया में है मूवी कोमाली, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9, 65% गूगल से लाइक किया। तमिल भाषा की मूवी है, हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है ये। मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी की लीड रोल में नजर आएंगे आपको श्याम रवि, काजल अग्रवाल जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें दोस्तों मूवी की कहानी में दिखाया गया है लंबे कोमा के बाद रवि एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जो उसके लिए न पहचानने वाली होती है। 90 दशक में ये बंदा कोमा में जाता है और 20वें दशक में ये कोमा से बाहर आता है, जब एक आम सी जिंदगी एकदम बदल कर डिजिटल हो जाती और मोबाइल फोन डिजिटल चीजें लोगों का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। उसे ये बात एडजस्ट करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो अपने गुजरे हुए दिन को वापस पाने में और नई हकीकत को अपनाने के लिए एक सफर पर निकल पड़ता है। आगे क्या होता है मूवी के अंदर, काफी टर्न ट्विस्ट डाले गए हैं। मूवी बहुत बेहतरीन है, आपको काफी पसंद आएगी। यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी, प्लीज वॉचिंग दोस्तों। 2022 में आई वेब सीरीज दूसरा सस्पेंस क्राइम थ्रिलर, जिसका नाम है बेस्ट सेलर, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5, हिंदी भाषा की मूवी है ये, जिसके स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे दोस्तों सुनील चक्रवर्ती, श्रुति हसन, अर्जुन बाजवा जैसे अन्य कलाकार। सीरीज की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों एक नॉवलिस्ट की कहानी है, फैमिली की सच्चाई पर नॉवलिस्ट लिखता है और ये नॉवलिस्ट बेस्ट सेलर बुक बन जाती है, लेकिन इसका एक रिजल्ट ये आता है कि जो फैमिली पर ये कहानी आती है वो फैमिली तकरीबन बर्बाद हो जाती है और उस फैमिली के लोग अब इस नॉवलिस्ट से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस सीरीज के अंदर काफी अच्छे अच्छे टर्न ट्विस्ट डाले गए हैं दोस्तों, यूट्यूब पर ही मिल जाएगी, प्लीज वॉचिंग दो। ये सब उस 2022 में आई मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी, जमीन से बरामद हुई 3 हड्डियों के आधार पर हमारे केस से कदावर, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5, 55% गूगल यूजर्स से लाइक किया। हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है। मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करें दोस्तों मूवी की लीड रोल में नजर आएंगे आपको अमला पो, हरी उथामन जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी की कहानी में दिखाया गया है हाई प्रोफाइल मर्डर पुलिस को परेशानी में डाल देता है जब एक कैदी इसका जिम्मेदार बन जाता है, जब वो मजीद मदद करने की धमकियां देने लगता है। बांद्रा के इस मुश्किल केस को सॉल्व करने के लिए अपने स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुलिस सर्जन बांद्रा इस केस को सुलझा पाएगा या नहीं और वो कातिल ही असली कातिल है या उसे फंसाया गया है, आगे क्या होता है जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्तों। मूवी यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी। 2023 यानी रिलीज हुई मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर जिसकी IMDb रेटिंग है 5.10, 72% गूगल यूजर्स से लाइक किया। तमिल भाषा की मूवी है, हिंदी भाषा में सेम नाम से डब है। मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी की लीड रोल में नजर आएंगे आप जैम रवि, नयनतारा, राहुल बोस जैसे अन्य कलाकार। मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों मूवी की कहानी में दिखाया गया है ब्रह्मा उर्फ द स्माइली नाम एक भयानक साइको किलर कुछ ही समय में 20 लड़कियों का अपहरण करता है और भयानक यातनाएं देता है, साथ ही उनकी हत्या कर देता है। साथ ही शहर हाई अलर्ट पे है और महिलाएं बाहर निकलने से डर रही, तभी ACP अर्जुन हत्यारों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कहानी में चूस तब जब वो किलर रहस्यमय तरीके से पुलिस के चुंगल से गायब हो जाता और सिचुएशन पहले से भी अधिक खतरनाक हो जाती। अब आगे क्या है, कौन था वो साइको सीरियल किलर, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्तों। मूवी के अंदर काफी अच्छे टर्न ट्विस्ट डाले गए हैं, मूवी आपको काफी पसंद आएगी। यूट्यूब पर अपलोड है, लिंक हमने दिया है, तो प्लीज वॉचिंग दोस्तों।